शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय का चतुर्थ दीक्षांत समारोह कार्यक्रम आज बस्तर में। शहीद महेंद्र कर्मा बस्तर विश्वविद्यालय का चतुर्थ दीक्षांत समारोह आज 5 मार्च को होने जा रहा है, जिसके तहत सोमवार को विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम रिहर्सल पूर्ण किया गया। कार्यक्रम की तैयारियों का अंतिम रूप दी गई। दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में प्रदेश के महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति विश्वभूषण हरिचंदन मुख्य अतिथि रहेंगे। वहीं अति विशिष्ट अतिथि में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्रिपरिषद के सदस्यगण, गणमान्य नागरिक उपस्थिति में संपन्न होगा। कार्यक्रम के विषय पर विस्तृत जानकारी देते हुए शहीद महेंद्र कर्मा बस्तर विश्वविद्यालय के कुलपति मनोज कुमार श्रीवास्तव ने क्या कहा, सुने। 5 मार्च को विश्वविद्यालय का चतुर्थ दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है। आज पूर्व अभ्यास, जिसे रिहर्सल कहते हैं, इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है और जिन विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिया जाना है तथा PhD की उपाधि दी जानी है, वे सभी विद्यार्थी आज दीक्षांत पोशाक में विश्वविद्यालय के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं और उनका रिहर्सल में सम्मिलित हुए हैं। रिहर्सल के माध्यम से और व्यवस्था पूर्ण रूप से तैयारी कर ली गई है। 5 मार्च को दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है। दीक्षांत समारोह मंगलवार को आयोजित किया जा रहा है और दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रदेश के राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री विश्वभूषण जी हरिचंदन रहेंगे तथा कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे तथा अति विशिष्ट अतिथि श्री केदार कश्यप जी रहेंगे तथा माननीय किरण देव जी रहेंगे। कन्वोकेशन एड्रेस के लिए एक चीफ स्पीकर IIM रायपुर के डॉक्टर श्रीराम काकानी जी को आमंत्रित किया गया है और इस कार्यक्रम में 5 मार्च को एक मानद उपाधि प्रदान की जाएगी, जो भारत के साहित्य एकेडमी के सेक्रेटरी श्री कृतिवेंटी श्रीनिवास राव को प्रदान किया जाएगा। उनका इंडियन लिटरेचर में, इंडियन लैंग्वेजेस में और एडमिनिस्ट्रेशन में उनके दिए गए योगदान को सराहने के लिए, सम्मान देने के लिए माननीय कुलाधिपति महोदय कल ऑनरस काजा डेलिट प्रदान करेंगे। हमारे विश्वविद्यालय में 27 PhD इस वर्ष पूर्ण हुई हैं और ये 15 वर्ष के इस विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार 27 PhD प्रदान की जा रही है। ये विश्वविद्यालय को सफलता के रूप में हम इसे देखते हैं। वर्ष 2021-22 में 48 मेडल्स प्रदान किए जा रहे हैं और वर्ष 2022-23 में 43 मेडल्स प्रदान किए जा रहे हैं। कुल मिला के दो सत्रों के 93 मेडल्स हम तैयार कर रहे हैं। माननीय कुलाधिपति जी के साथ, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और हमारे अतिथियों के साथ हमारे गोल्ड मेडलिस्ट की फोटो सेशन भी होगा। उनके हाथों से वो गोल्ड मेडल प्राप्त करेंगे और ये हमारे छात्रों के लिए, जो कि बस्तर के आदिवासी छात्र के लिए, बहुत उत्साह का समय है कि वो जनरल गोल्ड मेडल प्राप्त करेंगे माननीय कुलाधिपति जी के हाथों से और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से।